मेरा नाम अनिरुद्ध बालचंद्र पंडित. आई डिड माय बीटेक फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट फ्रॉम 1975 टू 1980. देन आई कंप्लीटेड माय पीएचडी फ्रॉम 1980 टू 84 फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. एंड फ्रॉम 1984 टू 1990 आई वाज इन Department of Chemical Engineering, University of Cambridge in UK. I came back in 1990 and joined Institute of Chemical Technology as a reader, and currently I am a professor and dean at Institute of Chemical Technology, Mumbai. So I've been in the profession of chemical engineering since 1980. So for the past 39 years, I have been in this particular field. I have graduated 48 PhD students and 90 master students, and been involved in the chemical engineering research and education since then. Mera bachpana Bombay ke Dadar area mein Shivaji Park karke jo ek bada maidan hai jahan Sachin Tendulkar, Sandeep Patil, Dilip Vengsarkar, Sunil Gavaskar ne cricket seekha, uske agal bagal mein meri puri जूनियर लाइफ वहीं गई है. वहाँ बालमोहन विद्या मंदिर करके एक पाठशाला है, वहाँ तक, वहाँ उस पाठशाला में 11वीं कक्षा तक मेरी एजुकेशन वहाँ कंप्लीट हुई, शिक्षा वहाँ कंप्लीट हुई. उसके बाद एक साल मैं उसी नज़ीक एक रुपरेल कॉलेज करके है, वहाँ फर्स्ट ईयर किया, और उसके बाद 1975 में मैं यहाँ ITBHU आ गया. तो सर, एक मुंबई से आपका जो बनारस का सफ़र था ITBHU में, तो क्या मतलब आपने क्या डिफरेंस पाया, और आपका ये जो टाइम था बनारस में और BHU में वो कैसा रहा, उस बारे में थोड़ा सा आप विस्तृत बताएं. 5 साल BHU में जो बिता है वो मेरी जिंदगी के सबसे बढ़िया 5 साल है अभी तक. कारण क्यों? क्योंकि वो पहला मौका था जहाँ हम लोग इंडिपेंडेंटली हॉस्टल में रह रहे थे, सब कुछ करना था, सीखना था, और उसके बाद अपने करियर के बारे में सोच के भी पढ़ाई करनी थी. तो जो हॉस्टल में रह के इंडिपेंडेंस सीखने का और इंडिपेंडेंस समझने का जो शिक्षा होती है, वो पूरी शिक्षा ये 5 साल में हम लोग मिल पाए, हमें मिली, जिसकी वजह से ज़िंदगी की कोई भी कितनी भी कठिनाइयाँ कैसे सहन कर सकते हैं और उसको डील कैसे कर सकते हैं, ये शिक्षा हुई. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बढ़िया 5 साल थे. तो सर, अभी जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, अभी जैसे ITJEE का एग्ज़ाम होता है, तो वो लोग ऑप्ट करते हैं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे या कुछ और दो चार ब्रांच. केमिकल इंजीनियरिंग कम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए कि आखिर ये है क्या चीज़, और किसी को क्यों पढ़ना चाहिए. Chemical engineering is a very fundamental branch of engineering. Computer science, information technology, data management, all this will happen only when basic manufacturing occurs. Now, when you look at chemical engineering, you are thinking about a very limited scope. Chemical engineering involves each and every part of your life and body. The moment you wake up and put a toothbrush in your mouth, the toothpaste is made by chemical engineers. The toothbrush, the nylon bristles are made by chemical engineers. The handle of the toothbrush is made by plastic, which is made by chemical engineers. वहाँ से लेके रात को आप जब सोते हो, अगर गर्मी एयर कंडीशन चलाते हो, एयर कंडीशनिंग जो होता है वो हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र जो होता है वो भी केमिकल इंजीनियरिंग ही करते हैं और केमिकल इंजीनियर ही करते हैं. जो आपको खाद मिलता है, जो आपको अन्न मिलता है, जो फर्टिलाइज़र मिलता है, जो मेडिसिंस मिलती है, जो मेडिसिंस बनाते हैं, जो आप सोचे वो केमिकल इंजीनियरिंग कर सकता है, कर पाता है. इसका कारण एक है कि केमिकल इंजीनियरिंग ये एक ही सब्जेक्ट है, ऐसा है द ओनली ब्रांच जहाँ आपको मटीरियल एंड एनर्जी बैलेंस पढ़ाया जाता है.
There is no other engineering profession which teaches you material and energy balance. इसीलिए जो ढंग से केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है वो कुछ भी कर सकता है. इसके कारण वो अच्छा अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो अच्छा मैनेजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि उसको मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, मतलब बैलेंस जो है. अकाउंटिंग क्या है कि पैसा आया, पैसा खर्चा हुआ, पैसा इस्तेमाल हुआ, मटेरियल आया, मटेरियल का प्रोडक्ट बना, मटेरियल वेस्ट हुआ. ये टाइप का जो बैलेंस जो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती है वो सबसे अहम चीज़ है. और वो अगर पढ़ते हैं, अगर केमिकल इंजीनियर नहीं काम करे, केमिकल्स बने नहीं, तो कंप्यूटर वालों को क्या काम रहेगा? जब तक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तब तक कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है. अच्छा, तो सर ये जो आपका डिपार्टमेंट, जैसे आप डिपार्टमेंट में आप बैठे हुए हैं, तो अभी आपने मतलब 1975 उस दशक से और अभी का बनारस से, अभी का जो डिपार्टमेंट, उसमें क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? करीब करीब पहले बार मैं आया 84 में, जब मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की, उसके बाद मैं आया 1990 में. बीच में कभी आया नहीं था. तभी एसएन उपाध्याय साहब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर एसएन उपाध्याय हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, वो सब्सिक्वेंटली डायरेक्टर भी बन गए. लेकिन मुझे दिख रहा है बिल्डिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड रिक्वायरमेंट्स है कि क्लासरूम्स है, एलसीडी प्रोजेक्टर्स है, सीसीटीवीज है, देन एलसीडी प्रोजेक्टर, पीपीटी बेस्ड टीचिंग है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब धीरे धीरे एक एक करके ऐड हो जा रहा है. और पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अच्छे रिसर्च करने के लिए, अभी सब वो आ गई यहाँ पे. अभी सिर्फ मोटिवेशन फैकल्टी को चाहिए कि ये जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसे इस्तेमाल करे और डिपार्टमेंट को और आगे कैसे ले जाए. तो सर, जैसे आपकी यात्रा, फिर यहाँ से आप एक फॉरेन भी गए, कैनवेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाए, तो आपका वहाँ का क्या अनुभव रहा और एक्चुअली में क्या डिफरेंस आप पाते हैं कि मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कई बार पीछे छूट जाती हैं रैंकिंग में, या रैंकिंग कोई मायने रखता है कि नहीं? मेरे हिसाब से रैंकिंग मायने नहीं रखता, क्योंकि रैंकिंग करने के जो क्राइटेरियाज हैं वो क्राइटेरियाज वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने डिवाइस किए हुए हैं. अच्छा, वो क्राइटेरिया भारत देश के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है. जब तक अपने इंजीनियर्स अपने देश के प्रॉब्लम्स लेके उनकी सॉल्यूशंस न करें, तब तक अपने इंजीनियर्स पीछे ही रहेंगे. अपने जो प्रॉब्लम्स है वो अपने प्रॉब्लम्स अगर हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे और किसी को सोचेंगे कि वो यूएस वाला प्रोफेसर मेरा प्रॉब्लम, इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, या इंग्लैंड का कोई इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अगर वैसा हम सोचेंगे तो हम लोग हमेशा पीछे ही रहेंगे. जब तक हम लोग खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की काबिलियत नहीं रखते हैं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ. डिफरेंस मतलब कि जब आप कोई काम करता है, कोई भी, भले वो स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, अगर उसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक वो है, तो वो 9 बजे से लेके 6 बजे तक ईमानदारी से काम करता है. उसको जो उसकी सैलरी मिल रही है वो सैलरी सोच के कि आई हैव बीन पेड टू डू सम वर्क, सो आई हैव टू डू दिस वर्क, ये जो ऑब्लिगेशन है ना, ये हम लोग के यहाँ मिसिंग है. मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मिसिंग है, बट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कम है. मैं जब आया तब मुझे पता था, जब 90 में वापस आ गया मैं, तब मुझे पता था कि जो चीज़ मैं यूके में, इंग्लैंड में 7-8 घंटे में अचीव कर सकता हूँ, वही चीज़ अचीव करने के लिए यहाँ मुझे 16-17 घंटा काम करना पड़ेगा. अच्छा. और वो मैं 16-17 घंटा तब से काम करते आ रहा हूँ. हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जितने एफर्ट्स आपको लेने पड़ते हैं, और वो एफर्ट्स लेने का कारण आपकी इनएफिशिएंसी नहीं है, आपके साथ जो बाकी लोग हैं जिस के काम पे आप लोग
डिपेंड करते हैं उनकी इनएफिशिएंसी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये होता है। अगर सब लोग सोच के ये मेरा देश है, ये मेरी सोसाइटी है, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मुझे निकालना है, अगर सब लोग ऐसा सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता है भारत देश को आगे आने के लिए कोई और टाइम लगेगा। तो सर कई बार ये होता है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद बच्चे से आप तो वापस आ गए, तो कई बार लोग बाहर चले जाते हैं, जो कभी इस पर कभी डिस्कशन का मुद्दा भी रहा है कि यहाँ से पढ़ने के बाद लोग यहाँ नहीं रुकते, बाहर चले जाते हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे या आप क्यों वापस आए? हाँ, अभी देखिए कि बाहर जाते हैं अच्छी बात है बाहर जाने, क्योंकि बाहर जो सीखने को मिलता है आपको वो अलग है, और वो सीख के आपको अगर उनमें से उनकी अच्छी बात अगर आप वापस आने के बाद यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा वो है कि आपको बिल्कुल बाहर जाना चाहिए, सीखना चाहिए और वापस आइए। जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू हैव एन ईजी लाइफ। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर 6-7 घंटा काम करके मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरी पूरी हो जाती है, तो उस 6-7 घंटे से और ज़्यादा काम करने की मेरे मुझे ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर वो एक बार आदत आपको पड़ जाती है तो आप जब वापस आते हैं और आपको पता चलता है उतना ही अचीव करने के लिए मेरे को 17-18 घंटा काम करना पड़ेगा, वो नहीं, सब लोग वो जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग ही वापस आके डिसाइड करके, उनको पता है कि करना है तो ये मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जितना मैं पहले काम कर रहा हूँ उतने काम से मुझे वो अचीवमेंट नहीं आ सकते। बिल्कुल सर। तो सर मैं ये जानना चाहता, आपने चूँकि यहाँ पर 5 साल या उससे भी ज़्यादा साथ बनारस में समय बिताया है। नहीं, मैंने 5 साल तो बिताया, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट से मैं जुड़ा हूँ, स्टाफ सिलेक्शन के लिए, रिसर्च रिकग्निशन के लिए, रिसर्च गाइडेंस के लिए मैं हमेशा हर साल में एक आध बार या दो बार आते रहता हूँ, सभी फैकल्टी से इंटरेक्ट करता हूँ, फैकल्टी को, नए फैकल्टी को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास इतनी फैसिलिटी है, आप कुछ कीजिए, काम कर सकते हैं, आप काबिल है, लेकिन वो करना मतलब वो मोटिवेशन करना देना ज़रूरी है। सो आप एज ए सिटी जो बनारस है, जो एक ऐतिहासिक सिटी है, तो उस बारे में थोड़ा सा आप चर्चा करिए कि उसका क्या कुछ आपके लाइफ में रोल रहा या? बिल्कुल बिल्कुल रहा। बनारस इन माई ओपिनियन इज एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल सिटी। कल शाम को जाके मैंने गंगा जी में स्नान किया, फिर संकट मोचन के दर्शन किए, उससे जो मन शांति मिलती है वो मुझे कोई अवार्ड मिले उससे कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंक बिटवीन प्रैक्टिकलिटी या मटीरियलिस्टिक थिंग एंड स्पिरिचुअल थिंग, ये जो लिंक जो है वो सिर्फ बनारस सिखाता है। जो आदमी 3-4 साल बनारस में रहता है और सब चीज़ करता है, अपना प्रोफेशन भी आगे बढ़ाता है और अपना स्पिरिचुअल लेवल भी बढ़ाता है, ये सिर्फ बनारस में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। तो सर कई बार ऐसे हम लोग सुनने में आता है, जो नए बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, क्योंकि स्कूलों के दामे पढ़ते हैं, तो वो लोग कुछ स्पिरिचुअल या जो बोलते हैं कि रिलीजन भी उसको कई बार बोल लेते हैं, तो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी और साइंस में कनेक्शन नहीं है, जो लोग साइंस को मानते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, ऐसे बच्चे मानते हैं, लेकिन इस बारे में मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहूंगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप देखिए पहले जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स ही साइंटिस्ट बन गए। अच्छा, ये ऐसे लगने का कारण ऐसा है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन और ह्यूमैनिटीज़ ये साइमल्टेनियसली जो पढ़ाया जाना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। इंजीनियरिंग एजुकेशन अपनी तरह जा रहा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन ह्यूमैनिटी अगली तरफ जा रहा है, लेकिन ये दोनों अगर समझ सकते हैं बच्चे लोग, तभी वो जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो इंजीनियरिंग नॉलेज सोसाइटी के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं तो वो सिस्टम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। एक्चुअली प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इट इज़ द सेम कॉइन, इट्स द जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट विच हैपन्स विथ साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस। तो मतलब दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और पढ़ाते समय
इंजीनियरिंग का कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्स में अगर थोड़े ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे तो वही इंजीनियरिंग कोर्सेज की यूटिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी में और काफ़ी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है अभी तो नया डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ आईआईटी में शुरू हो गया है ह्यूमैनिटीज़ का, तो बाकी तो इंजीनियरिंग कोर्स में लगता है अब तो कंपलसरी पढ़ाया जाना, हाँ पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। 10-15% पूरा जो सिलेबस है उसमें 10-15% ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज होने चाहिए। तो सर आपका जो काफ़ी लंबे समय से आप टीचिंग में हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आप जो नए बच्चे हैं जो अभी इंजीनियरिंग में आ रहे हैं उनको कई बार लग रहा है कि मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना, शायद मेरे को गलत ब्रांच मिल गया, तो उनके लिए एक संदेश आप कुछ देना चाहें कि एक ही संदेश दूंगा, पीपल हु हैव टेकन एडमिशन इन केमिकल इंजीनियरिंग शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड बिकॉज केमिकल इंजीनियरिंग इज़ द ओनली ब्रांच which allows you to be a jack of all trades. मास्टरी किस में आपको करनी है वो आपको बाद में डिसाइड करना है, लेकिन बाकी जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस एक बार आपने ब्रांच वो चूज़ कर ली तो आप और कहीं नहीं जा सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, आप PhD करना चाहते हैं मैकेनिकल में भी कर सकते हैं, आप चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन भी कर सकते हैं, आप सिविल चाहिए तो सिविल में भी कर सकते हैं, आप अगर मेटलर्जी में करना चाहते हो मेटलर्जी में मटेरियल्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ आपको केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक कोर्सेज में पढ़ाई जाती है। मतलब आपको बाद में क्या करना है, किस में आपको रुचि है, किसको आपको आपको मास्टरी बननी है, वो आप पे डिसाइड करता है, आप पे डिपेंड करता है। सागर कुछ पूछना चाहोगे सबसे? अभी जो रिसर्च अवार्डिंग सिस्टम है वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स के और जैसे नोबेल वगैरह जब दिया जाता है साइंस में भी, क्या ये पर्सनली किया जाता है कि कोई पॉलिटिक्स होता है कि ये सारे जो अवार्ड हैं ये सारे टाइम जस्टिफाइड होते हैं? दिस इज a politically loaded question and I would like to answer it in a slightly different manner. The one who actually gets the award, there are many others along with him who are equally deserving but do not get an award because there is only one award. Aap samajh rahe hain kya bol rahe hain? So there are about 5 or 10 people who have the same capability, who have the same output, who have the same utility, whether it is scientific, social, so on and so forth. It's just a chance happening, somebody gets an award. That's all there is to it. I do not think there is any partiality as such, but finally, who are the judges? The judges are the people only. And इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज, मतलब क्या कि इसकी इतने पब्लिकेशंस है, इसके इतने साइटेशंस है, इन एडिशन टू दैट इसकी यूटिलिटी कितनी है, ये जज करने वाला एक सब्जेक्टिव डिसीजन आ ही जाता है उसमें। अब वेन एवर सम सब्जेक्टिविटी इज देयर इज ऑलवेज सम चांस हैपनिंग रादर देन फुल ऑब्जेक्टिविटी। अगर पूरा ऑब्जेक्टिव होता है तो जजेस की ज़रूरत ही नहीं है। आप डालो कि इसमें इतना इसका पॉइंट, इतना इसका पॉइंट, जिसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉइंट हो गया उसको अवार्ड दे दीजिए, वैसे नहीं होता। तो रिसर्च सिनेरियो को इंडिया में और कैसे बेटर किया जा सकता है, ये बहुत बुरा है, इसका एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी जोड़ देते हैं। हाँ अभी इनफैक्ट अभी आई है पॉलिसी, MHRD की नया सिलेबस भी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई। कहना इतना ही है कि जो रिसर्च हम करते हैं और करना चाहते हैं वो रिसर्च का अपने सोसाइटी में अपने देश के लिए रिलेवेंस क्या है ये पहले सोचिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, वन इज़ कॉल्ड एज अ ब्लू स्काई रिसर्च कि मेरे को सिर्फ पता करवाने की ऐसा क्यों होता है। अच्छा। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च विच इज लाइक अरे ये प्रॉब्लम इज़ फेस्ड बाय द सोसाइटी, आई वॉन्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। द फर्स्ट कैटेगरी find solutions which may not be implemented immediately but may get implemented 15 years 20 years down the line, whereas second category finds a solution which can be implemented today. In India's case, majority of the people should concentrate on the second part because it's a large country, we have loads and loads of problems which need to be solved.
whereas few people or few institute should also do blue sky research, which will maintain the continuity of understanding science and translating science into solutions. तो अभी तो सर जैसे शिक्षा में काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या मेजर चेंज करने जाने की ज़रूरत है जिससे कि चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हो जाए? मेजर चेंज एटीट्यूड में चाहिए कि बच्चे को कितने मार्क्स मिले ये छोड़ के उसको क्या करने को आता है ये अगर असेस किया जाए तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। इतने मार्क्स मिले से कोई मतलब नहीं रखता, उसको क्या करना आता है। एज 10 साल के बाद उसको एडिशन आता है क्या, सब्ट्रैक्शन आता है क्या, मल्टीप्लिकेशन आता है क्या, आई 12 साल के बाद भूगोल कहाँ है, पृथ्वी गोल है, सोलर सिस्टम कैसी है, अगर ये उसको पता चलता है वो क्यों चल रही है ऐसे, अगर ये पता चलता है तो उसको क्या आता है करने के लिए, तभी वो काबिल हो सकता है। सिर्फ मार्क्स से, मार्क्स को कोई भी रट्टा मार के मार्क्स मिल जाता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि, क्योंकि हम लोग के यहाँ भी है इतने मार्क्स मिले यहाँ डिग्री मिल गई नौकरी मिल गई। तो सर यही मैं जरूरी देख रहा था, जैसे आपका काफ़ी 75 के दशक में अभी जैसे बच्चों के 100% मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको जब यहाँ पर एडमिशन हुआ तो उस मार्क्स के बेसिस था कि पहले एग्जाम होता था क्या? ना हम लोग के यहाँ जेई था ना, मेरा एडमिशन जेई के हिसाब से हुआ। उसके लिए कैसे प्रिपरेशन, जैसे अभी इतना सारा प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा कुछ किया था कि? नहीं नहीं, मैंने अभी तक कभी मार्क्स के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं है। अच्छा। हमेशा मैं सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए प्रिपेयर करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, उसका बाय प्रोडक्ट्स मार्क्स है। मुझे क्या आता है इस पर मेरा ज़्यादा फोकस है, कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर मुझे सब आता है तो मुझे सब मार्क्स मिलेंगे, अगर सब नहीं आता है तो सब नहीं मिलेंगे, बस। तो आपने केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया था कि केमिकल इंजीनियरिंग ने आपको चूज़ किया? कई बार बच्चे को बोलते हैं, दोनों हैं वैसे, दोनों हैं। मेरे फादर केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अच्छा। तो केमिस्ट्री वॉज इम्पॉर्टेंट बट फॉर हिम इंजीनियरिंग वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो द कॉम्बिनेशन विच ही थाट वॉज आइडियल फॉर मी वॉज केमिकल इंजीनियरिंग एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट एट ऑल। लेकिन मेरा एक्सपर्टीज अगर बोलेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी है, लेकिन मेरा एक्सपर्टीज फ्लूइड मैकेनिक्स में है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो एक केमिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है। तो अब यहाँ पर एक नया सवाल ही खड़ा हो जाता है सर, जनरली एक जो बच्चे होते हैं स्कूल में कॉलेज में उन्हें ये था कि केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। केमिकल इंजीनियरिंग इज अ ट्रांसलेशन ऑफ केमिस्ट्री इंटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, दैट्स ऑल। और कोई भी चीज़ स्टार्टिंग विथ रॉ मटीरियल्स यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए इंजीनियरिंग लगता है, राइट? सो यही इंजीनियरिंग जब केमिस्ट्री की नॉलेज इस्तेमाल करता है वो केमिकल इंजीनियरिंग हो जाता है। अभी केमिकल इंजीनियरिंग को रिपीट करता हूँ। हाँ तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले, चूँकि आपका बहुत एक लंबा अनुभव रहा है, अगर 20 साल का हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना हुआ तो केमिकल इंजीनियरिंग का उसमें क्या रोल रहेगा, ये जो अभी मेजर प्रॉब्लम्स जैसे मैं एनवायरनमेंट की? हाँ, इसीलिए मैं 3 या 4 सेंटेंसेस में इसका जवाब दूंगा कि जो केमिकल इंजीनियरिंग कन्वेंशनली अभी तक पढ़ाया गया है और पढ़ा रहे हैं दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। अगले 20 साल में केमिकल इंजीनियरिंग विल हैव कम्प्लीटली डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड विल हैव टू कन्वर्ट दैट केमिकल इंजीनियरिंग इनटू सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। सो जो कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो सस्टेनेबल बेसिस पे कैसे हो सकती है, नेचर इतने सालों से, इतने सदियों से कैसे सर्वाइव हुआ है, उसमें से अगर हम कुछ सीख सकते हैं विच इज़ कॉल्ड एज बायो मिमिक्री, दिस इज़ लाइकली टू बी द फ्यूचर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर हमें। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।